नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। पैरेलल लाइंस की कंडीशंस, इंक्लिनेशन और स्लोप्स से डिस्कस करने के बाद, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव सेम इंक्लिनेशंस, सिमिलरली टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव सेम स्लोप्स। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो वी नो दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस छोड़कर यदि कोई हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर यदि हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होगा और वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड। तो जब भी कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो तो एक का स्लोप जीरो है और एक का स्लोप नॉट डिफाइंड। ये सब बातें यहां लिखी हुई है। वी नो दैट कोऑर्डिनेट एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल्सो एनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो वेयर एज द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन्स इनके अलावा भी हो सकती है, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन्स हो गई, नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन्स। तो जब यदि ऐसी सिचुएशन हो तो उनके स्लोप्स के बीच क्या रिलेशन होगा, ये हम एक रिजल्ट में डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन्स। टू नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट इज -1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन्स। तो हम दो लाइन सपोज कर लेते हैं, नॉन वर्टिकल और जिनके स्लोप m1 और m2 है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशंस ऑफ टू लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। अब हमने इनको नॉन वर्टिकल कहा है, नॉन वर्टिकल कहा है मतलब पाई बाय टू नहीं हो गए दोनों एंगल। तो सिंस लाइंस आर नॉन वर्टिकल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, बीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू। 90 डिग्री छोड़कर बाकी कोई भी एंगल हो सकते हैं। और जब स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप L1 लाइन, दो लाइन को यदि L1 और L2 बोले तो L1 का इंक्लिनेशन अल्फा, L2 का इंक्लिनेशन बीटा। तो स्लोप M1 इज इक्वल टू टेन अल्फा, स्लोप M2 इज इक्वल टू टेन बीटा। और वो फिगर्स यहाँ कुछ इस तरह से ड्रॉ करके बताई हुई है। मान लो L1 एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है और L2 एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है और दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी फिगर हो सकती है। L1 एंगल बीटा फॉर्म कर रहा हो और L2 एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा हो, इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये दोनों सिचुएशन को अभी डिस्कस करते हैं, फिगर 1 फिगर 2। From figure 1, ये दोनों एंगल का एडिशन एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा। अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा गिव्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज -90 डिग्री। यहां से देखते हैं, फ्रॉम फिगर टू बीटा प्लस 90, बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू अल्फा, दिस गिव्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90। मतलब डिफरेंस क्या दिख रहा है, अल्फा माइनस बीटा इज आइदर 90 डिग्री और -90 डिग्री। दस अल्फा माइनस बीटा इज प्लस और -90 डिग्री। हमको बात करना है स्लोप से रिलेटेड। m1 और m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइन l1 एंड l2,
और स्लोप है टेन से रिलेटेड। तो देखो अभी आगे क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इंप्लाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस और माइनस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री जीरो, कॉस ऑफ माइनस 90 डिग्री इज अगेन कॉस 90 डिग्री विच इज जीरो। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और 90 डिग्री के लिए कॉस इज जीरो, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस गिव्स कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू जीरो। शिफ्ट कर देते आगे, यहां लिख रहे दिस इंप्लाय साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस की तम उधर शिफ्ट कर दिए और कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर देते हैं। दिस इंप्लाय साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू tan alpha into tan beta is equal to minus 1, that is m1 into m2 is equal to minus 1, and hence proved. तो clearly यदि non vertical lines है तो वो दोनों line non horizontal भी होगी, तो किसी का भी slope zero नहीं होगा। तो यदि मान लो non vertical line में से किसी एक का slope पता हो तो दूसरे का स्लोप यही फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। रिमार्क में मेंशन किया इसको, टू नॉन वर्टिकल लाइंस में इफ स्लोप ऑफ वन इज नोन देन स्लोप ऑफ अदर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन। एंड ऑब्वियसली कोई भी जीरो नहीं है तो कोई भी डिनोमिनेटर में हो सकता है, आइदर एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन और एम वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू। अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया था वो था टू नॉन वर्टिकल लाइन्स यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स के बीच रिलेशन था m1 into m2 is equal to minus 1। और यदि मान लो कोई दो लाइन इस तरह का रिलेशन सेटिस्फाई करती हो, उनके स्लोप का प्रोडक्ट यदि माइनस 1 हो, तो हम कहेंगे कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर। लेकिन हर बार लाइन परपेंडिकुलर ही हो ये जरूरी नहीं है, कोई और अलग एंगल में भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो एंगल दो लाइन के बीच का डिटरमाइन करने के लिए थ्योरम है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। अब ये नॉन वर्टिकल क्यों है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ समझ आएगा अभी। Theta is the acute angle between non-vertical lines having slope m1 and m2. Then tan theta is given by mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Okay. तो दो लाइन है, तो दो लाइन के इंक्लिनेशन सपोज कर लेते, let alpha and beta be the inclination of two non-vertical lines having slopes m1 and m2. तो नॉन वर्टिकल इसका मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, अल्फा इज नॉट 90 डिग्री, बीटा इज नॉट 90 डिग्री। स्लोप की बात करना है m1 और m2, तो m1 होगा tan अल्फा, तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये डिफाइंड होगा पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड। जब ये एंगल पाई बाय 2 नहीं है इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, m1 इज डिफाइंड m2 इज डिफाइंड। अभी जो दो लाइंस है कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते एक दूसरे को ये समझ लेते। मान लो L1 making angle alpha with positive x-axis, line L2 making angle beta with positive x-axis, यानी inclinations हो गए, और इनके बीच में acute angle अंदर दिख रहा है theta, इस तरह से intersect कर रहा है कि acute angle यहाँ अंदर दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि line L1 और line L2 acute angle ये बाहर की तरफ, यानी triangle के बाहर की तरफ form करके दिख रहा है। तो these are two different situations making acute angle between line L1 and L2.
अब ये फिगर से आगे की बातें कंटिन्यू। फ्रॉम फिगर इसको नंबर वन दे दो, फिगर टू। फ्रॉम फिगर वन क्या मिलता है? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो दिस इंप्लाय थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। हमको थीटा के बारे में बात करना है, टेन थीटा की बात करना है, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, फ्रॉम फिगर टू देखो। एक्सक्यूज मी सर, अब फिगर टू से यदि यही जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे, ये इंटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पर देखो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई माइनस एटी, ये यदि सॉरी पाई माइनस थीटा, यदि ये थीटा है तो ये रह गया पाई माइनस थीटा, तो ये दोनों का एंगल का एडिशन अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज बीटा। हमको थीटा के लिए चाहिए इसको, तो थीटा एक तरफ कर लेते। दिस इंप्लाय थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। थीटा राइट साइड में गया, बीटा लेफ्ट साइड में आ गया, तो पाई प्लस अल्फा अपनी जगह माइनस बीटा। तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फिगर के लिए टेन बीटा माइनस अल्फा फॉर फिगर वन, ठीक है फिगर वन। एंड फॉर फिगर टू टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये दिख रहा है टेन पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो इसको टेन पाई प्लस सम एंगल बोलकर यूज कर सकते हैं, तो पाई प्लस होने से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो दिस इज सेम एज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ, फंक्शन सेम रहेगा पाई प्लस एक्स यदि बोलकर यूज करते हैं तो फंक्शन सेम रहेगा अल्फा माइनस बीटा। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव, लेकिन यहां एंगल हमको बीटा माइनस अल्फा दिख रहा है और यहां एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो यदि सेम करना हो, दोनों को सेम करना हो, तो सेम करने के लिए इसमें से यदि माइनस कॉमन ले या इसमें से माइनस कॉमन ले, एक ही बात है, तो यहां से यदि हम इसको टेन ऑफ माइनस बीटा माइनस अल्फा ऐसा लिख सकते अल्फा माइनस बीटा रहने देते, इसको अल्फा माइनस बीटा कर लेते, इसको कर लेते। नाउ फॉर फिगर वन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज टेन ऑफ माइनस कॉमन अल्फा माइनस बीटा, पहले एंगल अल्फा, इसलिए पहले अल्फा रहने देते और फिर बीटा रहने देते। टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय रूल टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। तो क्या दिख रहा है, एक जगह हमको दिख रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और एक जगह दिखता है टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो फ्रॉम फिगर वन एंड टू वी ऑब्टेन टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो कंबाइंड रिजल्ट मॉड बोल के लिख सकते हैं। आगे टेन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दिस इज मॉड ऑफ टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी विच इज इक्वल टू टेन अल्फा लिया था हमने m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा ये जो डिनोमिनेटर ये मीनिंगफुल है क्या? एंगल एक्यूट दिया हुआ है, थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री तो नहीं होगा। तो जब 90 डिग्री नहीं है, थीटा 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो राइट एंगल में नहीं है। और जब दोनों राइट एंगल में होते तो m1 into m2 minus 1 होता था, तो ये minus 1 नहीं है, ये कंफर्म है। As theta is acute angle, therefore theta is not equal to pi by 2, imply m1 m2 is not equal to minus 1 and 1 plus m1 m2 is not equal to 0। इधर ले लिए तो 1 plus m1 m2 is not equal to 0, तो therefore tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is meaningful, hence tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 proved or meaningful, is meaningful। एक्सरसाइज 5.2 ऑन पेज 109, जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा, लाइन पर यदि दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनका स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यदि इंक्लिनेशन दिया हो तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इन पर बेस्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। If x and y intercept of line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of line L। Intercepts दिए हैं, तो imagine भी कर सकते हैं और यदि figure draw कर सकते हैं तो very good। X intercept 2 है और y intercept 3 है, approximate figure correct होना चाहिए। तो यहां से line pass हो रही है, इनमें से line pass हो रही है, तो इसके coordinate हो गए 2, 0, और y एक्सिस पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 3। ये लाइन L बोला है, दो पॉइंट्स मिल गए लाइन पर, तो स्लोप फाइंड किया जा सकता है। सॉल्यूशन एज पर द गिवन डेटा, टू पॉइंट्स ऑन द लाइन L आर 2, 0 and 0, 3, दो पॉइंट्स मिल गए, तो therefore slope of line L is given by m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। जनरली पहले पॉइंट को हम x1 y1 ले लेते, दूसरे को x2 y2 ले लेते, तो this implies slope y2 minus y1 x2 minus x1 which is equal to minus 3 by 2। Answer question number 5, a line makes intercepts 3 and 3 on the coordinate axis, find the inclination of the line। single line di hui hai, उसका inclination find karna hai, aur intercepts diye hue hai, तो इंटरसेप्ट दिए हैं तो दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, और दो पॉइंट्स मिल गए तो स्लोप फाइंड किया जा सकता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। लेकिन इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए बोला है, तो लेट इंक्लिनेशन भी थीटा, तो देन स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और वो जो मिलाया है स्लोप टेन थीटा से इक्वेट करके थीटा को भी इवैल्यूएट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट a line makes intercepts, line को हम नाम दे देते हैं, से L, line का नाम L दे दिया, make intercepts 3 and 3 on the coordinate axis। तो therefore two points on line L are, अब दोनों इंटरसेप्ट 3 और 3 है तो लिख सकते हैं
3,0 x एक्सिस पर होगा एंड 0,3 y एक्सिस पर होगा. लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल. देन वी हैव tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Formula hai slope se related. So this implies tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is equal to 3 by minus 3 is equal to minus 1. Tan theta is equal to minus 1. तो थीटा फाइंड करना है. तो टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है तो एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करना है तो दैट इज माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन ऐसा लिख सकते हैं. और माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू वन. वन इज टेन पाई बाय फोर. तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर गिव्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर. Therefore, theta is minus pi by 4. Hence, यहाँ से भी समझ में आता है, tan negative है, तो tan negative है तो या तो second quadrant में होगा, fourth quadrant में होगा, या second quadrant में. Fourth quadrant में acute angle मिलेगा, और second quadrant में तो obtuse angle मिल जाएगा. Hence, inclination of line. इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल इज माइनस 45 डिग्री. आंसर. आज के लिए इतना ही. टॉपिक फिर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. जय गणित.